शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। शंख में ऐसा क्या स्पेशल है जो तू इतना संभाल रही है? ये शंख बहुत विशेष है। एक बहन की आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी और उसकी आत्मा गुस्से से बाहर भटकेगी। वो मुझे मारना चाहती है। क्या सोच रहा है तू कि मैं वापस कैसे आ गई? हाँ वैष्णवी, आज के खाना बनाने के प्रोग्राम में आप सीखेंगे ढेर सारी अलग अलग डिशेस जो मैं बना के दिखाऊंगी। सो कम ऑन, लेट्स गो। आज बनाने वाली हूँ ऑर्गेनिक वेज केक डिश, खाने में स्वादिष्ट। ये है वनीला सॉस, इसको अच्छे से फैला लेंगे और इसके ऊपर ये हर्बल प्रोडक्ट्स डालेंगे। केक बनने के बाद इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैं अपलोड कर दूंगी। टडा, एंड केक इज रेडी। तो आपने देखा ना केक बनाना कितना इजी है। एनीवे, आई होप आप लोगों ने वीडियो देखने में खूब एंजॉय किया होगा। सो टुमारो इट्स अ न्यू डे विद न्यू रेसिपी। मैं आपसे मिलूंगी एक और वीडियो में। अंटिल देन दिस इज वैष्णवी साइनिंग ऑफ विद लॉट्स ऑफ लव। ओके बाय। मैं तुझे कितने दिन से यूट्यूब पे देख रहा हूँ, आज तुझ पे डायरेक्ट अटैक करूंगा। गोपी, यस, कहाँ रखा होगा ऑर्गेनिक केक, पहले टेस्ट करूंगा। कहाँ हो डार्लिंग? क्या क्या बात है, दिख गई। आज तो बहुत मजा आएगा। एक मिनट, पास आओ पास आओ। आज मैं तेरे साथ जन्नत की सैर करूंगा। अबे ये तो काला जादू करती है। कौन है? ये झुनझुन वाली डायन बीच में कहां से आ गई? बचाओ बचाओ भूत भूत, बचाओ कोई तो बचाओ भूत भूत भूत। जगम मगम जगम यस मधम ददम तवम यदस्तो देवकी जननम मरणम ऊपर वाले के हाथ में है। धोखा बदला इंसाफ ये हमारे हाथ है। महासमुद्र पार करके पर्वत पहाड़ पार करके तुझसे मिलने वो दुष्ट शक्ति आएगी। वो दुष्ट शक्ति आएगी, वो तेरे लिए पूरी दुनिया घूम रही है। वो तेरा शरीर हासिल करना चाहती है और किसी भी हाल में वो हासिल करके ही रहेगी। तुझे सावधान रहना होगा, वो आ रही है तेरे लिए। जगम मगम जगम बदम जगम बदम। इतनी रात को यहाँ कौन था बेटी? हाँ, क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं, कोई आवाज आई थी, छोड़िए अंदर चलते हैं। वैशु, एक नए तरह के केक का ऑर्डर आया है। सस्पेंस बंद करो और काम बताओ बालकी। बर्थडे केक में क्रीम के बजाय नाम, उम्र और उसकी पोजीशन लिख करके देनी है। जोक बंद करो बालकी। जोक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी फ्रेंड अंबुजा ने ऑर्डर दिया है, जाकर उसी से पूछ लो।
हे अंबुजा। हेलो सर, दिनों के बाद आया सर। क्या हो गया यार, ऊपर देख। बोल क्या प्रॉब्लम है। घर में मैंने सबसे परमिशन ले ली है, मंगनी की डेट भी फिक्स हो गई है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अब क्या वो डाउरी की डिमांड कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, उससे लंदन में जॉब मिल गई है। जैसे उसके हाथ में वीजा आया, उसका चाल चलन ही बदल गया। मेरा कॉल कट कर देता है, मैं ट्राई करती हूँ, वो अवॉइड करता है। मुझे लगता है उसका लंदन में किसी के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है वैशु, उसके बिना मैं मर जाऊंगी। एक लगाऊंगी, लव फेल होने का मतलब लाइफ ही फेल हो जाना होता है क्या? ओके, अभी वो कहाँ पर मिलेगा? Excuse me. Any, many, many more. This bit's gonna make you flop. Excuse me. Yes, yes, yes. ये कहाँ से आ गई? तू कॉटन? हाँ। तू है क्या? तू गोंदा से मिलने आई है? ये हाथी ही मिला था प्यार करने के लिए? काम की बात करना वैशु। अरे यार, तुझे कुछ दिखाई नहीं देता क्या? हाथी के बच्चे को जंगल में छोड़ते हैं और तू है कि सब प्यार कर रही है। हद हो गई तुझसे। ए अंबुजा, इसको यहाँ क्यों लाई? चल लेके जा यहाँ से। ए ऊंची आवाज में बात कर रहा है क्या? अब ये तुझसे बात नहीं करेगी। मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, मैं बहुत बिजी हूँ। मुझसे बात नहीं करेगा? 4 साल से प्यार कर रहा है, अब अचानक इसको अवॉइड करने लगा? वजह पूछूंगी तो बात नहीं करेगा? तो फिर और क्या करूं? अपने आप को लड़कियों से ऊंचा समझता है क्या? ये नीचे और ऊंचे की बात मत कर, ये मेरा पर्सनल मैटर है। बिना काम के टांग मत अड़ा, मुझे बहुत काम है, टॉयलेट जाना है। क्या करने? क्लीन करने जा रहा है। ये तुझे कैसे पता चला? मार मार के मुंह तोड़ दूंगी। फाड़ में गया तेरा पर्सनल मैटर, ये इसके लाइफ का मैटर है। तेरी शक्ल तो मैं कंटिन्यूअसली 4 मिनट भी नहीं देख सकती। और ये पागल तुझे 4 सालों से झेल रही है। मेरी पर्सनालिटी ऐसी, देखा जाए तो इसे तुझे अवॉइड करना चाहिए। मैं तुझे वार्न कर रही हूँ, अगर इसे धोखा दिया ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। चमड़ी उधेड़ देगी? देखने में तो भोली भाली है लेकिन बहुत डेंजर है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? तू सबसे पहले एक काम कर, तू इसको सॉरी बोल। मैं सॉरी? हाँ, अभी मेरे सामने। उसके पहले हम दोनों अकेले में कुछ प्राइवेट बातें करेंगे, क्या बोलती हो? आ रही है ना बात समझ में? तू बाहर जा। अब मैं क्यों बाहर जाऊँ? ये मेरे लिए यहाँ आई है, इसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। चुप हो जा। जैसा तू सोच रही है ना, इतना बड़ा कोई 30 मार्का नहीं है ये। अरे ये कैसे समझ गई? तू जरा बाहर जा, मैं अकेले डील करूंगी। अभी तक खड़ी है, चल निकल। दिमाग खराब करेगी तो कंप्यूटर खींच के मारूंगा। वैसु, मैंने सारा कैमरा बंद कर दिया है, तू टेंशन मत ले, यहाँ जो कुछ होगा फेसबुक पे नहीं डालूंगा। तू गर्ल है, मैं प्ले बॉय हूँ, लेकिन ये मैटर बाहर नहीं जाना चाहिए। वैसु, अगर ये मैटर बाहर पता चल गया ना, तेरी कितनी बेइज्जती होगी। इसीलिए किसी को मत बताना, ठीक है ना? क्या क्या करने वाला है तू? उसी की तैयारी कर रहा हूँ ना मैं, थोड़ा एडजस्ट हो जाने दो, तुम्हारे पास आ जाता हूँ। अब तुम देखना, ये चप्पल निकाल रही है क्या? चप्पल से मारने की जरूरत नहीं है, मुझे माफ कर दो वैसु, मेरे प्यार को बचा लो वैसु, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी वैसु। पहले प्रॉमिस करो, पैर नहीं छोड़ूंगा, करो। ठीक है प्रॉमिस, चल छोड़। अब ओके, देखी मेरी परफॉर्मेंस कैसी है? लंदन में कोई नौकरी है तूने बताया था ना? हाँ, तो वीजा के लिए अप्लाई भी किया है। उसी वीजा के चक्कर में तो सारा पंगा स्टार्ट हुआ, तेरी रिसिप्ट चोरी करके मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, मुझे काम भी मिल गया और वीजा भी मिल गया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मेरे फ्रेंड को ना। उसे क्या हुआ है? मेरे फ्रेंड ने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट से लंदन में एक बड़े केक शॉप में काम पाया था, उसे केक बनाना नहीं आता था, उसके ओनर को पता चल गया, ओनर ने लंदन पुलिस को कंप्लेंट किया, पुलिस ने उसे अंदर डाल दिया। अगर मैं भी वहाँ गया तो पुलिस मुझे फंसा देगी ना, और अगर अभी मैं अंबुजा से शादी कर लिया तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा कि मैंने उसे धोखा दिया। इसलिए मैंने एक समझदार फैसला किया, अंबुजा को छोड़ ही देता हूँ। अरे पापी, तो फिर उसका क्या होगा? तू नहीं जानती क्या, दूसरा कोई आएगा टो करके लेके जाएगा। ऐसा घोरो मत, अगर तुम मान जाओगी ना तभी ये मेरी जिंदगी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। मैं क्या कर सकती हूँ? तुम मेरी असिस्टेंट बनोगी क्या? तेरी तो अभी ना। नहीं नहीं नहीं, असल में लोगों के सामने तुम असिस्टेंट हो लेकिन सच में मैं तुम्हारा असिस्टेंट रहूंगा। बात समझ में आई ना? तुम जितना अच्छा केक बनाओगी उतना ही मेरा नाम ऊंचा उठेगा, थोड़ा बिल्डअप होगा, सिर्फ 2 महीने की बात है, उसके बाद मेरा प्रमोशन होगा और मैं छुट्टी ले लूंगा, वापस प्लेन पकड़ूंगा, फिर इंडिया में लैंड करूंगा, मैं और अंबुजा हैप्पी हो जाएंगे, क्या बोलती हो? हाँ, अगर तुम रेडी हो ना तभी मैं शादी के लिए तैयार हूँ, नहीं तो फिर जो कर रहा हूँ वही ठीक है। नो, नेवर, आई वोंट अलाउड। एक अकेली लड़की लंदन जाएगी? लंदन कोई बाजू में है क्या? अरे हम यहाँ तुझे कभी अकेले नहीं भेजते। मेरी बात सुन वैशु, उस गंदे मोटे कालिए के लिए तुझे लंदन जाने की जरूरत नहीं है। पागलों की तरह बात मत करो बालकी, बेचारी अंबुजा, उसकी शादी होनी चाहिए कि नहीं? माँ आप बताओ, आपको डर लग रहा है क्या? डर की बात नहीं है, एक दो दिन की बात होती तो चलता, पर पूरे 1 महीने के लिए तुझे कैसे अकेले छोड़ दूँ? माँ, तुम
तुम्हारी फीलिंग्स मैं समझती हूँ, पर देखो आजकल तो इंटरनेट भी है, हम दोनों डेली वीडियो कॉलिंग पे बात करेंगे। मैं लंदन में हूँ, ऐसी आपको फीलिंग ही नहीं आएगी, ओके ना? केक शॉप में मैं इंचार्ज का काम करूंगी। वैशु, माँ जरूरी है कि अंबुजा जरूरी है, आज बताई दो। माँ, आप जानती हो अंबुजा का दिल्ली में मेडिकल में सिलेक्शन हो गया था, फिर भी उसने मेरे साथ यहाँ पढ़ाई की, उसने मेरी खातिर डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की, सिर्फ इतना करने से उसकी शादी हो जाएगी। पापा आप कुछ तो बोलिए पापा। वैष्णवी तुम समझदार हो, तुम्हारे हर डिसीजन पर मुझे पूरा भरोसा है। थैंक यू पापा। कैसे पापा आप? ओके बोल रहे, मैं नहीं मानूंगा, तुम नहीं जा सकती, नॉट अलाउड। एकदम करेक्ट पालकी, आप ही मेरे साथ लंदन चल रहे हो, वीजा रेडी है। कंफर्म है? फिर मेरे लिए भी ओके। जीजा जी आजकल तो चांद पर भी लड़कियां खेले जाती हैं, लंदन तो बाजू में है, क्या टेंशन है, मैं भी साथ में जा रहा हूँ ना। वैशु तुम लंदन जा सकती हो। अरे जा सकती हो क्या, जाएंगे। इंतजार कर रहे होंगे, फास्ट चलाओ। डोंट वरी बेबी, वी आर ऑन टाइम। सच में हम लोग टाइम पे पहुंच गए। मैं हरदम करेक्ट हो रहा हूं। हे कमिंग बेबी।
अरे वो देखो वैष्णवी, इधर देखो वैशु। हे मधु आओ। हाय हाय मधु। हाय वैशु, वेलकम टू लंदन। वैशु स्काइप पे बात की थी ना, ये वही है। मुझे देखने वाले भी ऐसा ही कहते हैं। ये कौन है? ये बालकी, ये कॉटन। क्या नाम है? कॉटन। hey, मेरा नाम पंजाब से लिया है, शॉर्टकट के लिए पंजा और स्टाइल के लिए कॉटन। इसीलिए तेरा थोबड़ा ट्रक के क्लीनर के जैसा लग रहा है। ए वैशु, एक सेल्फी लेते हैं ना, फेसबुक पर अपलोड करेंगे। वी आर इन लंदन नाउ, बहुत मजा आएगा। आजा आजा मेरे भी। वैशु रास्ते में हम न्यूयॉर्क भी देख लेंगे, ठीक है ना? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। देखा, हमारे देश को लूट के यहाँ पर बंगला बनाए। ये बड़ी वाली बिल्डिंग कौन सी है? ये यहाँ की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, इसे देखो, ये लंदन का सबसे बड़ा ब्रिज है। ये भी कोई बड़ा ब्रिज है? तूने हावड़ा ब्रिज नहीं देखा क्या? वैशु तुम लोग हमारे घर पे रहोगे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू गणेश। हम लोग पहुँच गए क्या? हाँ हाँ पहुँच ही गए। वैशु आराम से उतरो। बालकी कॉटन आ जाओ। वाओ आ जाओ। वाह मजा। अच्छा तो हम लोग यहाँ रहेंगे है? हे कॉटन, घर के पीछे एक नदी है यार। सुबह फ्रेश होकर अगर हम लोग वहाँ नहाने चलेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो जाके मैं साबुन और टॉवेल लेके आता हूँ। अच्छा सुन, अंडरवेयर भी लेकर के आना। तुम लोगों को अंडरवेयर के साथ जेल में डाल देंगे। क्यों? मेरी बात सुनो, यहाँ पे बिल्कुल गंदगी नहीं चलती। थोड़ी सी भी गंदगी की ना तो उठा के जेल में डाल देते हैं, समझ गए ना? चलो चलो अंदर, सब व्यवस्था है। इतना बड़ा घर किस लिए है? क्या बकवास है। कम ऑन गाइज, तू चल हम लोग आ रहे हैं। वाओ मधु, तूने सारे इंडिया के भगवानों को यहाँ बुला लिया। अरे ये क्या भगवानों को लाएगी, एवरी फ्राइडे एक पंडित जी आते हैं, वही इन सबको मेंटेन करते हैं, समझी ना? ये तो सिर्फ मुझे हस्बैंड की तरह मेंटेन करती है। हाँ। चल समझ गया। बोला क्या? वैशु तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं लंच के लिए कुछ ऑर्डर करती हूँ। ऑर्डर क्यों कर रही है? मैं आ गई हूँ ना, बता किचन कहाँ पर है। आहा, क्या खुशबू है यार, क्या खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि फाइव स्टार होटल के टेबल पर बैठे हो। क्या बोल रहे हो यार? पनीर पालक, चिकन टिक्का, चिकन मोगलाई, वेज कोल्हापुरी और उसके साथ मशरूम भी है। आहा, व्हाट अ कॉम्बिनेशन, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। तूने खाना ले लिया ना? हाँ ले लिया। ये सब मेरा है। क्या तू क्या कुकर में खाएगा क्या? ये लो। या फिर इस कुकर को चाट के साफ करने वाला है? ऐसी बात नहीं है भाई, हम लोग प्लेट में राइस के ऊपर दाल डालते हैं, ये कुकर के दाल में ही राइस डाल लेता है। आंटी सब समझ गया। ठीक है ठीक है। वैष्णवी इस घर का खाना खाते खाते ना मेरा तो खाने से जी भर गया था। जानवरों को खाना खिलाने वाला खाना मुझे खिलाया जाता था। ए, उस तरफ देखना। हे यार कॉटन। हाँ बोलना। ये तो हस्बैंड भी नहीं लग रहा है, कुक भी नहीं लग रहा है, तो फिर ये इसका क्या है यार? ये इसका जुगाड़ है। ये तू क्या कह रहा है यार? जुगाड़ मतलब साफ सफाई के लिए कोई तो चाहिए ना। ओ ऐसा क्या? ए, तू क्या समझ रहा था? यही सोच रहा था। तेरा भी दिमाग चलता है। तू सोच रहा था, ये बोल रहा था। तुम दोनों जो भी सोचो बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत बड़ा बेशरम है। हाँ हाँ एकदम बेशरम है। श्योर श्योर। सुअर किसको बोल रहा है? ये प्लेट से तेरा सर फोड़ दूंगा, दिमाग सही हो जाएगा। अबे सुअर नहीं श्योर बोला। वैसे वैष्णवी इसको कहाँ से पकड़ के लाई? ए, अब घर में कोई घंटी बजा रहा है क्या? मैं मना कर रहा हूँ मत बजा। अरे बाप रे, घर में भूत आ गया। ये कैसा स्वामी है, घर में इसको अकेले किसने छोड़ दिया? स्वामी जी पीछे से देखो तो बिल्कुल भूत लगते हो, कम से कम बाल तो बांध लो। तुझे अगर भूत देखना है तो आईने के सामने खड़े हो जा। किधर है भूत, किधर है भूत? वेयर इज घोस्ट, वेयर इज घोस्ट? इस स्वामी को भूत समझ बैठा था, भूत से कम है क्या? स्वामी जी आप जाइए, आप पूरे घर में घूमकर एक ही मंत्र पड़ेगा। मधु हर हफ्ते एक आदमी आकर तुझे मेंटेन करता है ना, ये वही है क्या? ये पक्का वही है। क्यों चिपका दी? कोई बाहर का आदमी आके तेरी बीवी की इंसल्ट कर रहा है, उसको पंच मारने की जगह तू पंच डायलॉग्स की तरह हा हा करके हंस रहा है। ए तू सुधर जा वरना तुझे बाहर निकाल दूंगी। एक बार तो कमरे में बोल के जा रही है। आज तूने मेरा दिल खुश कर दिया। यस मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। वैशु तुम दोनों मेरे असिस्टेंट ओनर को मैंने बता दिया है, काम एकदम सही से करना। क्या काम करना है? ए बालकी ए, बोलना है? देख तू बड़बड़ करके मुझे मत फंसा देना। नहीं फंसाऊंगा बे। ए ओनर खड़ा है, चल चुप हो जा। वेल वेयर आर यू? या इट्स बीन लॉन्ग टाइम। क्या मिट्टी कर रहे हो? हेलो सर। हेलो। हाय। ओह या दिस इज द मैन यू आर लुकिंग फॉर। हाय नाइस टू मीट यू। अस्सलाम। ओके ओके मिस्टर शेफ, वी आर हियर टू ऑर्डर अ वेरी स्पेशल केक।
your first order on your first day in the shop. Understand? Ye kya understand? Cycle stand ki baat kar raha hai. What? Okay. What order? Tell me. Kamu bikha. Well, we like something different. Tujhe kya paka ke khilaun? Well, we like to eat a 3D cake. Are ye kya 3D CD cake mang raha hai? Vaishu, is gore se mujhe bacha. You made a 3D cake with 3 layers of cream, one with fruits, one with nuts. Can be done. That's right. Ha. Jo order aaya wo samajh gayi na? Khade kya ho? Jaldi se jao use banao. Oh, hold on. Hold on. You are supposed to be the chef. Why are you telling her to go? No, no, he's just giving me instructions. Yeah, this is my assistant. This 3D small cake. I am big cake player. 110, 210, 310, 510, 1010. हाँ, समझ गए. अगर मैं इससे बात करूँगा तो ये पकड़ लेगा. तुम क्या खड़े होकर मुझे पकड़वाना चाहती है? जाओ काम करो. सर, आपका यूनिफॉर्म बहुत ब्यूटीफुल है. Around the corner. Okay, thank you. ये वहाँ घूम के आ रहा है. चल कांदा काट जा. तुझे काटने नहीं आता है क्या? मुझे भले काम नहीं आता है लेकिन काम करवाने आता है. इसीलिए तो मेरा मुझसे मार खाएगा. किसे मारने के लिए चाकू निकाल? चुपचाप काम करो. और क्या करना है मुझे बताओ, मैं सब संभाल लूंगा. व्हाइट जेम्स है क्या? ये शुगर फ्री है. अबे तुझे कुछ पता भी है? बहुत बढ़िया. वैसे ये बेल्ट किसको पहना होगी? तू इसको पहन ले. ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है. अब इसका भी सुनना पड़ेगा. वैशु, ये मोटू ज्यादा बोलेगा तो बॉस को बता दूंगा किसे कुछ नहीं आता. तू ऐसे नहीं मानेगा. तू रुक, मैं ही बता के आता हूँ. अबे मजाक कर रहा हूँ बे. ये वैशु, मैंने जैसे बोला तूने वैसे ही बनाया. सुपर. थोड़ा मजाक कर रहा था यार. अरे रे रे, ये ऐसी क्या देख रही है? ऐसे काम करते हैं क्या? कितना समझाना पड़ेगा? What are you doing here? अभी तक बर्तन साफ नहीं किया. ये केक में डामर क्यों डाल रहे हो? ये उसके मुंह में डालना चाहिए ना. ये तू इसे नीचे क्यों गिरा रहा है? उसके मुंह में डाल. हा? अभी तक गया नहीं. ये सब मिर्ची उर्ची यहाँ क्यों पड़ी है? कौन उठाएगा? हा? तुझे इतने दूर से लाया क्यों है? क्यूँ फास्ट. जब काम धाम आता नहीं तो मेरे पास आकर मेरा इंसल्ट क्यों कराते हो? अरे जल्दी जल्दी काम करो. ओनर देख रहा है यार, समझो. उसको भी लगना चाहिए ना मैं काम कर रहा हूँ. वेरी गुड. अरे इतनी एक्टिंग करने के बाद भी यही खड़ा है. क्विक. वैसू, ओनर देख रहा था इसलिए एक्टिंग कर रहा था. तू मुझे गलत नहीं समझेगी ना? नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी. काम से पहले ये पैर पकड़ लेता है और काम हो जाने के बाद गला. मुझे लगता है इसने प्लान करके हमें फंसाया है. वैसु, प्लान करने के लिए ब्रेन होना चाहिए. वो तो मेरे पास नहीं है, मेरे खानदान के पास भी नहीं है. अब तू करेक्ट बोला. छोड़ो बाल की इसको. चल तेरा केक रेडी हो गया, इसको डिलीवर करके आते हैं. मैंने केक बनाया तो खुद ही डिलीवर करूंगा ना. हंसते हुए जाएंगे तभी तो घोचू भरोसा करेगा कि ये केक मैंने बनाया है. Here's your cake. A slim down. Whoa, you're very quick. My cake. Pura parivar jhagda mat karna. Sure. Kha lena. Wow. Smells lovely. Yeah, smells beautiful. That's amazing. Agar dobara is dukan par aaya to garam pani dal dunga. Thank you. You're so good. Asta, vista. See you. Bye bye. Come, let's go. Vaishu. Huh? Thank you. Wo kis liye? वो गोरी लगता है मुझसे प्यार करने लगी. अरे यार ये कालिया सेंटी हो गया. क्या कहा? दिखा नहीं कितने प्यार से मुझे किस करके गई. अरे पागल. इनके कल्चर में किस करना कॉमन बात है. कल्चर के बारे में मनुष्यों को बताया जाता है, जंगली भैंसों को बताकर क्या फायदा. ए, चल जा, जाकर टेबल साफ कर जा. ठीक है, अभी कर देता हूँ. चल भाग. Thank you.
कौन है पता नहीं, केक में लगा हुआ बादाम भी निकाल कर रोज खा जाता है। एक बार पकड़ूंगा तो छोड़ूंगा नहीं। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो। Hey, chef, क्या chef, मैं? Please come here. मुझको बुला रहा है? Yes, yes. कौन है ये चिकना हंसिका की तरह? What do you want, darling? I would like to order a cake for my wife. Oh, what is your wife's name? केक पे ना राइटिंग। Okay, खुर्जोशी रामिया। मुत्तुरमैया, मुत्तुरमैया तेरे लिंक में कैसे आई? मुझे लगता है फेसबुक में मिली होगी। यू आर वाइफ नेम मुत्तुरमैया? नेम नो, खुर्जोशी रामिया। कैसा नाम है यार, ये लिखने के लिए एक हफ्ता लगेगा मुझे। क्या करूं? सो यू आर वेटिंग, आई एम गोइंग टू माय असिस्टेंट सेंडिंग। चुपचाप मेनू देख। वैसु, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। वैसु, एक जर्सी बैल आकर बैठ गया है, दिमाग चाट लिया है। बर्थडे केक पे उसकी पत्नी का नाम लिखना है तो जाके लिख देना। अरे उसका नाम मेरे मुंह से नहीं आ रहा है, चली जाना। कॉटन, मैं यहाँ से हिल नहीं सकती। तू वहाँ जा, आराम से सुन और लिख दे, जा। ए, तेरा चीप बोल रहा है, तू नहीं सुनेगी। ए, मुझे माफ कर दे, बात समझना। वैसे चली जाना यार, उसकी इंग्लिश मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। दोबारा नहीं बोलूंगा, एक बार मदद कर दे। मैं नहीं जाऊंगी। ये जा रही कि नहीं जा रही है? बोला मैं नहीं जाऊंगी। तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, चली जाना प्लीज, ओनर आ जाएगा, जाना। हे, व्हाट्स रॉन्ग विद द कार? ठीक है, कौन सी टेबल नंबर पे बैठा है? 5 नंबर टेबल पे बैठा है। नोटपैड दे। यू गो। अच्छा हुआ बच गया मैं। ओके, I'll call you back. Hi. Can I have your wife's name, please? Can I have your wife's name? Sorry. अच्छा, wife का नाम पूछ रही हूँ तो sorry बोल रहा है? कितना बड़ा घोंचू है। Don't you know your wife's name? My wife. ये सच में घोंचू है, कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा है। इससे कैसे कोई शादी कर सकता है, पागल कहीं का। Are you talking to me? No, 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 no. मैं गाना गा रही थी। I was just singing in my head. Okay. Om Namah Shivaya Om Namah. हाँ बोलो माँ, क्या चाहिए? अरे वैष्णवी, आजू का तेरी फंस गई, आते वक्त लेते आता हूँ। Okay, bye. I'm really sorry. आप इंडियन हो, पता नहीं था। हाय, आई एम संदीप, प्लीज टू मीट यू। हाय, आई एम वैष्णवी। स्टॉप, ओह इट्स वियर्ड। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू। विदेश में अपने लोगों से बात करके खुशी बढ़ जाती है ना? Hi, cappuccino, please. Sure, 8 pounds. Okay. Here you go. Thank you. Welcome, ma'am. ये मधु, कल मैं बहुत इंटरेस्टिंग बंदे से मिली। मैं उसका मजाक उड़ा रही थी और बाद में वो इंडियन निकला। इंडियन? मोहिनी, तुझे पता था उसको हिंदी आती है? अरे मैं उसको जानती नहीं। बेटी मोहिनी, डांट रही थी उसने वो लाइट नहीं लिया। रुक जा बेटा। Get up. Are you all right? मोहिनी, मोहिनी बेटा। Next time आएंगे तो इस मॉल में जाएंगे, ठीक है? मोहिनी, आज तो क्लोज होने वाला है। मोहिनी बेटी रुको। ये कौन है? रुक जा। कौन है जानती है क्या? वो तुझे बुला रही है। मोहिनी, ए मधु इधर आ। हाँ हाँ, रुक जा मोहिनी। और उसके बारे में कुछ जानती है? उसके नाम के अलावा मैं कुछ नहीं जानती। मोहिनी रुक जा। अब अगली बार उससे मिलना ना तो पूरी डिटेल्स ले लेना। हाँ हाँ ठीक है। जब मिलेगी तब बताएगी ना? हाँ बताऊंगी। इस साइड आ जाओ। हाँ ट्रेन आ गई। मोहिनी, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटी। मोहिनी बेटी, बस आ गई। ट्रेन भी आ गई। वैशु ट्रेन आ गई, इसी में चल रही। ट्रेन से कम्यूटिंग करना बहुत ही कन्वीनियंट है। Okay.
You go ahead. It's okay. नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं दूसरी ले लूंगी. अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको कहीं ड्रॉप कर दूं. ओके ओके. यू नो व्हाट, मुझे कोइंसिडेंस पे विश्वास नहीं है, बट अब भरोसा हो गया है. एक्चुअली इट्स इंटरेस्टिंग. घोचू पागल. बड़ा घोचू, बड़ा वाला घोचू. I'm so sorry. आपको हिंदी आती थी, मैं नहीं जानती थी. मैं ऐसा चाहती नहीं थी, पर ये पता नहीं कैसे, पर आप बुरा मत मानना. I'm really sorry. Hey, all well. Hey, wait. Vaishnavi, it's okay, don't worry. Thank you. Hi, मैं आपकी वैष्णवी. आज के खाना बनाने के प्रोग्राम में आप सीखेंगे ढेर सारी अलग अलग डिशेस जो मैं बना के दिखाऊंगी. Wow. So come on, let's go. आज बनाने वाली. I'm also a big foodie. मैं भी तुम्हारा फैन हूँ. थैंक यू. यू वेलकम. यूर सच अ आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? तुम्हारे फेसबुक से. रहते हैं? नहीं, सिर्फ माँ रहती है. मॉम डैड का डिवोर्स हो गया है. ओह, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ. ओह, आई एम सॉरी. और मैं अपनी माँ के साथ रहना पसंद करता हूँ. माँ. माँ. हाउ संदीप.
ये वैष्णवी है। नमस्ते माँ। नमस्ते। आओ बेटी वैष्णवी, मेरे पास बैठो, फील एट होम। हरदम तुम्हारी बात करता है, तुम्हारे सारे प्रोग्राम्स डाउनलोड करके रखे हैं और सारे डिश वहीं से फॉलो करता है। ऐसा क्यों? मैं खुद बनाती हूँ, आप टेस्ट करके बताइएगा। अरे बेटी बैठो, इट्स ओके। माँ, वैष्णवी आपको पसंद आई? ये तुझे पसंद तो है ना, ये पूरी जिंदगी तुझे खाना पका के खिलाएगी। मैं बहुत खुश हूँ जो मेरे बेटे को तुमने पसंद किया। तुम दोनों खुशी खुशी ऐसे ही साथ में रहना। मेरा बेटा बहुत खुशकिस्मत है। थैंक यू माँ, यू आर रियली वेरी लकी। हाँ आई नो मॉम। माँ मैं वैष्णवी को छोड़ के आऊँ? Yeah, sure. Okay. Bye, ma. Let's go. Okay, beta. Thank you, mom. Thanks Take a lot. Take care. Bye. Come. Mommy, बहुत प्यारी हैं. I'm happy वो तुम्हें अच्छी लगी. अंदर आओ संदीप, मैं फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस कराती हूँ। सॉरी वैष्णवी, मैं फिर कभी आके उनसे मिल लूंगा। आज रात मुझे ऑस्ट्रिया के लिए निकलना है, पर मैं 15 दिन में वापस आ जाऊंगा। जाना जरूरी है। बिजनेस कॉलिंग। ओके। ओके? ठीक है फिर। टेक केयर। बाय। फिर मिलते हैं। See you. Bye. Wow. Beautiful तालाब। हाँ, बस सुंदर ही है। हाँ। ये उसे किस पूरा है? अंदर बैठ। वो वहाँ पे decorations क्यों हैं? ये यहाँ से बाहर क्यों बने हैं? Bro, बोलना। Usually संडे के दिन तुम्हारे गांव के लोग क्या करते हैं? सुबह एक क्वार्टर, दोपहर एक क्वार्टर, शाम को एक भी। नाइट में हाफ बिरयानी विद क्वार्टर खा के सब सो जाते। तू बिल्कुल हमारे जैसा है। ये तू कैसे बोल सकता है? तेरा या अमाउस का चेहरा देख के ही लग रहा था। ऐसा तालाब अपने यहाँ है क्या? हाँ मधु, वैशु को एक एप्पल काटने के लिए बोलो। हाँ पीले वाले बैग में है। हम लोग को लंदन आने को नहीं है, एप्पल ही खाना था तो इंडिया में रह के खा लेता। अरे अरे क्या हुआ? मेरा ब्रेसलेट और मेरी चेन पानी में गिर गई। मंगलसूत्र गिर गया? मैंने मंगलसूत्र कब पहना? चेन गिर गई मेरी। ये सब सुनने से पहले तुझे डूब मरना चाहिए। तू थोड़ा अपने हाथ में राजा। वो सबके सामने तेरा कचरा करती रहती है। पेरिस से लाई थी मैंने, वीनस गार्डन से। बहुत लकी थी मेरे लिए। वो ब्रेसलेट और चेन के साथ मेरे सेंटिमेंट जुड़े हैं। वैसे पूछ उसके पास एंकर है क्या? ये क्या मांग रहे इंग्लिश में बोल तो। एंकर प्लीज। वेट आई विल गिव यू। यहां ला, इसको देना। हाँ, लाला इधर ला। संभाल के संभाल के। मिल जाएगा, जल्दी जल्दी करो। मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। आराम से। कभी कुछ फंसाई हो क्या? ए क्या बे, अंदर कुछ निकला नहीं है फिर भी ज्ञान क्यों दे रहा है? जस्ट मिस। जरा उस तरफ लेना। एक मिनट। हाँ ठीक से, ठीक से। खींचो खींचो खींचो, थोड़ा आगे, लेफ्ट लेफ्ट में। खींचो खींचो खींचो, जोर लगा, जोर से, आराम से, आराम से। अरे अब कुछ मिल गया। अरे साथ में ये क्या आ गया? दिख नहीं रहा है क्या? हाँ वैशु, ये क्या है? इसे पानी में फेंक दो। हे, ये सिर्फ इंडियन ओशन में मिलता है, इसे शंख बोलते हैं, बहुत रेयर है। हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो। क्या हुआ? तू भी ना, इसकी एज शार्प है तो कट लग गया। तुझे देखना चाहिए ना। नहीं मैं ठीक हूँ। अरे छोटी चोट है, इट्स ओके, पानी से धो लेती हूँ, ठीक हो जाएगा। वैशु, शंख में ऐसा क्या स्पेशल है जो तू इतना संभाल रही है? ये शंख बहुत विशेष है, इसे हम अपने पूजा घर में रखेंगे तो नेगेटिव एनर्जी दूर रहेगी, घर के लिए बहुत शुभ होगा। लगता है आज मेरी स्वागत हो जाएगी। अभी जरा धीरे बोल, तेरी औरत सुनेगी तो तेरा बैंड बजाएगी। शुभ शुभ बोला कर यार। चमकने लग गया। मुझे नहीं, इनके हाथ में थमा दो। इसे पूजा घर में रख दो। मैं इसे बाहर डाल के आती हूँ। अरे बाहर डालने से अच्छा इसका कॉफी बना दो।
क्या? यहाँ पानी नहीं है, पानी लेके आओ। पानी लेके आऊंगा तो रेडी हो जाओगी। ए, जाओ। अरे क्या यार, बस ये करो वो करो। पहले पानी से तेरी प्यास बुझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। भूत है, मैंने अभी फ्रिज में भूत देखा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने अपनी परछाई देखी होगी और कह रहे हो भूत देखा। मैं अपने सर की कसम खा के बोलता हूँ, वहाँ पे सच में भूत है और बोल रहा हूँ भूत है। जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? चलो मेरे साथ आओ, देखते हैं। आओ आओ आओ, दिखाओ मुझे कहाँ देखा भूत। जाओ फ्रिज खोल के खुद देख लो। फ्रिज के अंदर? अभी देखती हूँ, जरा संभाल के। भूत कहाँ गया? सच बोल रहा हूँ, यहाँ पे चिकन था वो भी गायब हो गया। यहाँ का सारा चिकन खा लिया और कहता है भूत देख लिया, हमें पागल समझ रखा है। तू ऐसे नहीं सुनेगा। मैंने तुझे नहीं मारा, फिर क्यों चला रही है? क्या फ्रिज में तूने भी भूत देखा क्या? दिखा रही है। ए, क्या नाटक है, वो परछाई है, चली जाएगी। बाय बाय बाय, तू भी करके देखना। हाँ देखी, तेरी ही परछाई है ना, मैं कह रहा था ना, बिना काम के डर गई। ए, मेरी बात सुनो ना। तू मुझसे कह रही है क्या? हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, हाथ पकड़ के कमरे में चलो ना। हाथ क्या, कमर पकड़ के ले चलता हूँ। ए, नहाने के टाइम नल किसने बंद किया रे? अरे इतनी रात को कौन नहाता बे? अरे भूत 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 भूत, बचाओ बचाओ, भूत बचाओ, भूत भूत ने मुझे पकड़ लिया, भूत बचाओ। अब किसने भूत देख लिया? कॉटन की आवाज है, ये कॉटन जान से मरवाएगा। अबे गणेश कहां मर गया तू? अबे आ ना जल्दी बचाओ मुझे, गणेश आ जा बे, अरे जल्दी आओ यार, मुझे मार डालेगा ये गणेश। कहां है तू ये बालकी? क्या हुआ? क्या क्यों चिल्ला रहे हो? अभी क्या देख लिया? मैंने भूत देखा यार। क्या हुआ? कहाँ पर? मेरे पीछे ही तो है। पीछे? अरे किधर है? अरे पीछे जाके देखेगा तब दिखेगा ना। अरे जल्दी करो, मार डालेगा मुझे। ए, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पीछे हट। मेरा पैंट उसने पकड़ा है, जल्दी छुड़ाओ। ए पागल, तेरी पैंट पे कील फंस गई है। पागल, कील फंस गई है? भूतनी आके कील लगाती है क्या? अरे यार, पूरे घर के लिए तू भूत है, बिना वजह डरा दिया, सबको जगा दिया। छे, मैंने भूत को देखा। ए, सच में तूने भूत देखा क्या? हाँ। मोर यारे बप्पा मोर यारे, जय जय गणपति, जय गणपति, जय गणेश बाबा, जय गणेश। हे भगवान, मेरी पत्नी को थोड़ी सी अकल दे दो। वैशु, मैंने इस तरह कभी पूजा ही नहीं की, ये फर्स्ट टाइम है और मैं बहुत खुश हूँ। हाँ वैशु, मैंने भी मधु को कभी पूजा घर में नहीं देखा, आज पहली बार देख रहा हूँ पूजा घर में। आई एम सो हैप्पी। वैशु आ गई है ना, अब इस घर में हमेशा पूजा ही होगी। ये सच है, वैशु बहुत लकी है, मेरी शादी भी इसी के कारण हो रही है। हाँ वैशु, जैसे तुम यहाँ आई हो वैसे हमारे घर में छोटा सा बाबू आ जाए तो इस दिल को बहुत खुशी होगी। तुम क्या बोलती हो बाबू? ये कभी नहीं होगा, चुप रहो। अभी तक तुम्हें चुपी था ना। ठीक है, आज बहुत शुभ दिन है तो कोई एक शंख बजाओ। ये बुजुर्ग बजाएगा। हाँ बजा ले, बजा ले। बालकी आप बजाओ। ए, टाइट पकड़ के बजाना। टाइट बजाने से ना सांस रुक जाती है पागल। ये शंख बजा रहा है या साइकिल में हवा भर रहा है? अरे यार मुझसे नहीं बज रही है, तू ही बजाना। तूने झूठा कर दिया, अब मैं शंख नहीं बजाऊंगा। तो मैं ही साफ कर देता हूँ ना। चुपचाप वैशु को दे दे। वैशु ये तुमसे ही बजेगा, ये लो।
नहीं छोड़ूंगी। He doesn't look like a local guy, actually. No, but we definitely need to get these people out of here. There's tampering with the crimes. कोई इसे मना नहीं कर सकता. Excuse me, sir. What? Alexis Numo. किसी ने उसे मार दिया. क्या? पुलिस जांच कर रही है. उनका पता बहुत जल्दी चल जाएगा, सर. पुलिस के पता करने से पहले उसका कत्ल किसने किया है? ये मुझे जानना है. मैं पर्सनली उससे निपटूंगा. आई बात समझ में? मैं देखता हूं. गो. तो मैं क्या आपको बता रहा था? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य. नमस्ते स्वामी जी. गणेश ने सारा इंतजाम कर दिया है. आप पूजा शुरू कर दीजिए. क्या हुआ स्वामी जी? आप ऐसे चारों तरफ क्यों देख रहे हैं? आपके इस घर में बुरी शक्ति का वास है. क्या कह रहे हैं? कब से? इस घर में कौन कौन है सबको बुलाइए. मैं सबसे मिलना चाहता हूँ, तब मैं बता पाऊंगा. गणेश, गणेश, इस घर में कुछ न कुछ तो गलत है. सही कह रहे हैं आप. इस घर में हम लोग को दो दिन से बहुत डर लग रहा है स्वामी जी. चुप करो स्वामी जी. क्या चल रहा है? आपके घर में कोई दुष्ट शक्ति का वास है. सबको सावधानी से रहना होगा. अरे स्वामी जी, क्या बताओ, बड़ी मुश्किल के साथ मैं इसके साथ रहता हूँ. अब इतने बड़े बंगले में मैं दो भूत के साथ कैसे रहूंगा? देखा ना आपने. हाँ स्वामी जी, कल से इस घर में हम सबको कोई डरा रहा है. आप ही कोई मदद कीजिए ना स्वामी जी. चिंता की बात नहीं, मैंने मंत्र पढ़कर धागा बनाया है. आप चारों लोग इसे बांध लो. जब तक ये आपके पास रहेगा वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी. ठीक है स्वामी जी. ठीक है स्वामी जी.
खिड़की दरवाजे बंद कर दिए ना। सब बंद कर दिया है, रेडियो क्या निकाल दे। ओके, निकाल दूं क्या? धागा निकाल दे। लगता है आज डार्लिंग का मूड बन गया है। जल्दी करता हूँ, कहीं मूड ना बदल जाए। खुल जा सिम। आई एम रेडी। मार क्यों रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अभी तूने तो कहा था खोलने के लिए। छी, मैंने कब कहा? धागा निकालने में इतना टाइम लगता है क्या? गणेश, आवाज तो कुछ अलग लग रही है। भूतनी है क्या? तेरे होते हुए भूतनी कहाँ से आएगी? धागा निकालने में कॉमेडी करने लगे दोनों। मुझे जाने दो। अरे गधी मेरे ऊपर से चल के जा रही है। अरे रुक रुक, मैं आया। रुक, अरे अरे क्या कर रही है? बचाओ ऐसे दौड़ रहे जैसे भूत देख लिया। सिर्फ भूत देखा ही नहीं, भूतनी से हम दोनों मार खा के आ रहे हैं। है, टीवी पर कोई 3D फिल्म देख ली होगी, उसमें भूत ने किसी को मारा होगा और तुम लोग डर गए। क्या कहा बे? अरे बाप रे, अरे यार मुझे किसी ने पीछे से मारा है। अभी तुझे समझा भूत की मार कैसे होती है? निकालने के लिए बोला ना। धागा, अभी निकालता हूँ धागा। अकल नहीं लेडीज के सामने पैंट उतारता है, इडियट कहीं के। अबे इस भूतनी ने मुझे निकालने के लिए कहा था, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या बे? समझ में नहीं आता, धागा निकाल। कौन सा? अरे कौन सा धागा? वो जो पंडित ने दिया था। भूत मारेगी तो चलेगा, लेकिन अगर तेरी बीवी मुझे मारेगी तो नहीं चलेगा, बोल देता हूँ। अरे फालतू बात छोड़ यार, अपन अपनी पंचायत बाद में कर लेंगे, पहले हम लोग भूतनी की पंचायत निपटाते हैं। चल पहले धागा निकाल के बाहर फेंक दे। अब कौन सा? अरे जो पंडित ने धागा दिया था। अच्छा ये वाला, ये देखो भूत दीदी, इस धागे को मैंने निकाल दिया है, अब इस धागे को मैं फेंक देता हूँ, ये लीजिए। ये क्या पंडित के धागे से लोग खेल रहे हैं? क्यों पकड़ा? ए क्या है बे, तुम लोगों को खेलने के लिए कुछ और नहीं मिला? पंडित ने बोला था ना कि इसे बांधने से भूत नहीं आएगा, फिर क्यों निकाल कर फेंका? पागल हो गए तुम लोग? ए चिल्ला क्यों रहे हो तुम लोग? पीछे देख, पीछे देख। ए मैं भूत के साथ बास्केटबॉल खेलता हूँ, जानता नहीं है क्या? अबे सच में भूत है, पीछे भूत है, चल उसे आगे आने को बोल। आप ही भूत हो क्या? व्हाट इज योर नेम? बाहुबली। क्या रे, भूतनी के साथ बास्केटबॉल खेलता है? उसने तुझे फुटबॉल की तरह फेंका ना? मैं तो मजाक कर रहा था यार, वो सीरियस ले ली, मुझे क्या पता। धागा निकाल के फेंको। कौन सा धागा? निकालिए जो तूने पकड़ा था वो धागा। ए नो बैड वर्ड्स, तेरे बैग में टंगा है राजू। क्या रे, डबल मीनिंग बात कर रहा है? मैं कुछ भी बोलूंगा तुझे कॉमेडी लगती है क्या? तेरे बैग में टंगा है, निकाल उसको, निकाल ना। थोड़ा पीछे मुड़ना, मैं हेल्प करूंगा। ये बेटा ऐसे नहीं मानेगा। ए जल्दी जल्दी निकालो, निकाल के आग में फेंको। ये देखो मैंने फेंक दिया। एक और धागा कहाँ है? अब किसके पास है? 1 2 3 ए तेरा धागा कहाँ है? बाल्की मेरे कमर का धागा लूज था ना, उसे टाइट कर दिया। अरे निकाल दो। अबे यहाँ नहीं रखा है, अंदर कमरे में रखा है। निकाल, यहाँ बकवास क्यों कर रहा है? चल अंदर, जल्दी चल चल चल। भूत से मार खिलवा रहा है। कहाँ रखा, कहाँ रखा? अरे भाई तूने कहाँ रखा है याद करना। फ्रिज में तो नहीं रखा। तो फिर फ्रिज में क्यों देखने आया? अरे तुम लोग पीछे पड़ गए तो मुझसे निकल गया, मुझे याद करने दे कहाँ रखा है। अरे यार जल्दी निकाल वरना भूतनी हम लोगों को बहुत मारेगी। सबके सब अंदर क्या कर रहे हो? अच्छा ऑफर है, ब्यूटीफुल और टाइट कपड़ों। ए तू चुप रहना, तेरे से तो कुछ होता नहीं है, मैं करता हूँ ना। मधु, अरे पागल हो गई क्या? किस भैंसे को पकड़ लिया? इतनी बास आ रही है मुझे उल्टी। इसका नाटक देखने से अच्छा है आगे उठता हूं। अरे रे रे, मैं तुझे किस टाइप की उल्टी करवाने वाला था और तू क्या ये नकली उल्टी कर रही है? तू अपनी औरत का मजाक उड़ाता है। मुझे धागा याद आ गया। किधर है? यहाँ। मैंने गिरने के लिए थोड़ी बोला है। कहाँ पे? यहाँ रखा है, इसके लिए तुम लोग दिमाग खराब कर दिए, मैंने संभाल के रखा। जल्दी फेंक दे। चल भाग। भूत है तो भूत की तरह रहा कर, चिल्ला चिल्ला के दिमाग मत खराब किया कर। ये क्या सोच रहा है? अगर भूत आपको मार रहा है तो इसका मतलब है वो बहुत नाराज है आपसे। वो बहुत गुस्सेला है फादर। गुस्सेला? फादर भूत से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भूतों से डर नहीं लगता है, मैंने भूतों की बहुत फिल्में देखी है, वो फिल्में मुझे बहुत पसंद आती है। भूत फैन क्लब का लीडर यही है क्या है? थोड़ी देर चुप नहीं रह सकता फादर, हमारे घर में जो भूत है आप ही उसे बाहर निकाल सकते हैं, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए फादर। भूत किसके ऊपर है? टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि भूत किसके ऊपर है। फादर
ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट कैसे करते हैं हम जानते हैं, लेकिन ये भूत का टेस्ट कैसे करते हैं हम नहीं जानते फादर। एक मिनट रुकिए, मैं आता हूँ। हे फादर, कहाँ जा रहे हैं? लगता है फादर भी डर गया, निकल लिया। इस शहर में भूत भगाने में ये नंबर वन है, इसलिए ज्यादा चार्ज करते हैं। आप लोग ये ले जाओ। ये क्या है फादर? ये एक पाउडर है। क्या फादर, भूत भगाना है तो पाउडर टिका रहे हो? हम लोग क्या पाउडर लेके भूत का मेकअप करेंगे? ये होली पाउडर है। अच्छा, ये पाउडर जिसके ऊपर भूत है उसके ऊपर जाते ही उसका सच्चा रूप बाहर आ जाता है। आप खुद डाल के दिखाइए ना फादर। जहाँ पर भूत है वहाँ ले जाकर डालिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि भूत किसके ऊपर चढ़ा है। जब ये पता चल जाएगा तभी हम उसका हल निकालेंगे। पहले इसके ऊपर पाउडर डालिए फादर। एक किलो पाउडर लगा के घूमती है, क्या है? इज्जत से बात कर, फादर है इसलिए मैं चुप बैठा हूँ। मैडम को जल्दी से सॉरी बोल। सॉरी इसको कैसे बोलूं, ये तो जींस पहन के घूमती है। ए, कभी तो चुप रहा कर। ये आप मुझे दीजिए फादर, इसे लेकर हम घर जाएंगे। गॉड ब्लेस यू माय सन। थैंक यू फादर। थैंक यू फादर। हे मैन, लास्ट नाइट आई मेट दिस गर्ल, वी वर दिस पार्टी एंड इट वाज डैम नाइस, यू नो वी वर जस्ट हैविंग अ लॉट ऑफ फन ऑल नाइट। हे लुक एट देयर, आई हैव सीन हर समवेयर। ओह रियली? हे द गर्ल, आई नो हर। ओह या, I've seen this girl from somewhere. Hey, come hey, here. Hey, come here, baby. Stop. Don't hey, worry. Don't touch me. Come on, baby. Hey, hey, really go away. Honey, no, don't touch me. Drag. Come on, baby. Hey. Come on. Hey. Come on. Hey. Let's have some fun. Let go of me. Help. Help. Have fun, buddy. Let's have fun, baby. Hey. Come on. Help. I said just let go of me. Help. Turn, mujhe. Help. हे माँ काली, बता दो मदद कौन है? ये पाउडर किस पे डालूं? अब इस पाउडर को कैसे डालना है, अब क्या करें? अब ए, ये पाउडर किसके ऊपर डालना है? एक काम करते हैं, आंख बंद करके ये पाउडर अपने अपने ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, डाल दिया, डाल दिया। ईश्वर हमें बचा लेना, हमें उस भूतनी से बचा लेना है ईश्वर, हमारी रक्षा करना। अबे आप क्या, प्रभु सेव मी। ए, चिल्ला क्यों रहा है? ये भूत है। हम चारों भूत हैं, समझा? हम चारों भूत नहीं है तो फिर भूत है कौन? Oh my God. We need to call for backup. Okay, we'll do it. We'll record the statement. Oh my God, it's horrible. So these are the two guys. Let's see what we can get out of them. Hello, chaps. All right. All right, sir. Can you tell us what you saw? Yeah, I'm actually quite good at drawing. I remember what she looked like. I can make a drawing. You can draw, man. Well, he's doing that. Can you tell me a little bit more about her? I think she's Asian or Indian, but I don't know exactly. Chalo, yahan dekhte hain. Is taraf. Abhi kaise pata chalega? घर में पूरा पाउडर डाल के देख लिया, हमारे घर में भूत नहीं है। यू आर राइट मधु, लेकिन अब मुझे पाउडर पर डाउट आ रहा है। वो क्यों? ये काम नहीं कर रहा है। तू बिना काम के क्यों डरा रहा है यार? तुझे डाउट क्यों हो रहा है? देखो, अगर वो भूत चादर ओढ़ के सो गया होगा तो हमारा ये पाउडर उसके ऊपर कैसे काम करेगा? पागल कहीं का दिमाग खराब कर दे। मैं फालतू में लेके घूम रहा हूँ, रुको मैं भी आ रहा हूँ। Does anybody else know about this in this area? No one. Take a look. Can you establish this? This is the girl, is it? Yeah, that's the girl. Can I have a look? Yeah, sure. Oh, no, that can't be right. I know this girl. She went missing 2 years ago. No, that's her. It's not possible. You sure, ma'am? I'm positive. I worked the case. Tell me exactly what happened. Help! 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 Come on! Come on, baby. There's nobody around. You shut your mouth or I'll show you the blood. Come here, bloody!
और इसके कपड़े उतर रहे हैं। अरे ये तो सांप की तरह केचुली छोड़ रही है। ये असली बुद्धू है। वैशु वैशु वैष्णवी वैष्णवी नहीं मोहिनी। Did you say ghost making you trouble? Yes, yes sir. Ghost making big trouble, yes, sir. One girl, two characters, sir. One beating, second waiting, sir. Always beating, sir. Yes, sir. Why don't you go and see your church father? उसने भी हम लोगों को लूट लिया। आज तो मैं दुनिया भर का पाउडर दे दिया। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, sir. Please help me, sir. Can we go? Please साथ में चलो। चलो ना, चलो ना, भूत से बचा लो, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. बैठो। ये वाला घर, sir. Where's the ghost? Ghost is inside, sir. There. You go, sir. Inside? Go. Show me the ghost. No, no, come. No, we are waiting here. You go. Show go. Me the ghost. You go. Come. You go, sir. Hum log yahan intezar karenge. You go. Yes. Hello, madam. Hello, madam. Hello. I guess some people, they've been scared of ghosts. Ghost? Yeah. In this house? Yeah. Impossible. There's nothing, I assure you. Can we have a look inside? Okay. Yeah, yeah. Why not? Come on. Trust me, it's fake. We're wasting our time. Sorry, okay. Ma'am. Well, thank you for your time. No problem. Thank no, you. That's okay. Thank you. Bye. Well, there's no ghost in there. Only the beautiful lady inside. वो तो खुद ही भूत नहीं है। उससे उसके बारे में पूछ के आया क्या? Don't waste our time again. अरे please क्या झूठे बोल रहा है? बालकी, come here sir. अंदर आओ ना। बालकी, तुझे बुला रही है तुझा। ऐसी बात नहीं है वैशु। वो क्या है कि अंदर बहुत ठंड लग रही है। यहाँ बाहर मैं थोड़ी सूरज की धूप ले रहा हूँ। hey, तुझे गर्मी लग रही है ना? तो तू एक काम कर, तू अंदर जा। नहीं, मैं यही डांस करूंगा। समझ गया कि नहीं? अरे यार जा ना, जा, जा। पागल है क्या? मधु, तुम तो अंदर आओ। मैं कुछ कर रही थी। गणेश तू संभालो। हाँ कहाँ है तू? तूने मुझे बुलाया था ना? Hey guys. Hello. Hi. अरे भूतनी का बॉयफ्रेंड आ गया। इतना टेंशन में क्यों दिख रहे हो? अरे नहीं नहीं, हम लोग यहाँ पर एक गेम खेल रहे हैं। We do exercise and jogging and गिल्ली डंडा। That's nice. इसलिए आपको टाइम का पता ही नहीं चलता होगा। ओ हाय। हाय। क्या तुम फ्री हो? कहाँ जाना है? मैंने एक सरप्राइज पार्टी रखी है, वही तुम्हें ले जाना है। वैसे टोटल फ्री है भाई, जहाँ दिल करे वहाँ इसे ले जाओ। ऐसे ही रोज पार्टी दिया करो। रोज पार्टी दे दूंगा। मुझे बस 5 मिनट दो, मैं चेंज करके आती हूँ। तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। तुमने भी तो बहुत अच्छे जूते पहने। यू आर लुकिंग नाइस। वैसे आप भी अच्छे लग रहे हो। शैल वी गो? यस, तुम लोग भी साथ में चलो ना। नहीं 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 नहीं, कॉटन बाल्की चलो ना साथ में। लंदन का पार्टी फूड सुपर्ब होता है, अगर तुम दोनों नहीं चलोगे तो मिस करोगे। मेरा पेट भरा हुआ है, अभी तक खाना पचा नहीं। इन दोनों को लेकर जाओ। वैशु, मैं डांस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, अभी भूख नहीं लगी है, बाद में खाऊंगा। आया था मुझे फंसाने। एक बार बोला ना चलो। अबे क्यों मार खाना चाहते हो? अबे जल्दी चलो। नहीं मुझे नहीं पता। हाय 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 वैष्णवी, अच्छी लग रही हो। संदीप, मैं इसे इंट्रोड्यूस करा के आती हूँ। चली गई जान बची। हे गाइस, हाँ, लेट्स हैव सम फन, कम ऑन। क्या यार, पार्टी में बुलाकर बंद पाव खिलाएगा? अबे उसने बंद पाव नहीं बोला, फन बोला। संदीप ने हम सबको एंजॉय करने के लिए बोला। इंग्लिश प्रॉब्लम। हेलो फ्रेंड्स, दोबारा इंग्लिश बोला। आई हैव समथिंग रियली इंपॉर्टेंट टू शेयर विद ऑल यू पीपल। I'm going to propose. Congratulations! अरे वाह! वैशु, will you marry me? भूतनी को प्रपोज करना है पागल। संदीप, मेरी फैमिली बहुत ट्रेडिशनल है, तो अचानक वैशु, मैंने तुम्हारी माँ से स्काइप पे बात कर ली है। तुम्हारी माँ को भी संदीप बहुत पसंद है। मैंने कहा था तुमसे ये एक सरप्राइज होगा। वैशु, से यस। हाँ बोल दे वैशु। यस हे
bomb with the baby. Corona ऐसी गेरी, come dance me crazy. Hala this party ready steady. Bomb with the baby. Corona ऐसी गेरी, come dance me crazy. Drop it like. Corona ऐसी गेरी, come dance me crazy. Hala this party ready steady. Bomb pick up baby. Corona ऐसी गेरी, come dance me crazy. Hala this party ready steady. आ देख ले, देख ले, देख ले होटी girl. हाँ सोच क्या, सोच क्या, सोच क्या कुछ तो बोल. आ देख ले, देख ले, देख ले होटी girl. हाँ सोच क्या, सोच क्या. Drop it like. Na divya, na on boya kila pontoya. Make a guy go crazy, you know they be screaming Hosanna. Neti la pote poti se patte sari ya gatte pa. Get that elegant, that syrup, that muddy flip on point. Your curves and your moves like Mick Jagger on point, on point, on point, on point. Bring it back. I miss the day, I go chada mujhe pe. Aaja re aaja to marega na. I don't mind, chahe kya sab dil ke apne bol. Chango main to kar de yaara music to phone. Bas tere mere pyar ki baatein mujhe ki yahan. Drop it like. Hey Sandeep. Hi Dad. Great party. Thank you Dad. तो बहुत मजे कर रहे हो हैं। आप कहाँ थे अब तक? सॉरी डियर, आने में थोड़ी देरी हो गई। Looking nice, Dad. Yeah, like always. Vishu, Dad, my fiance. Hello, how are you? Hello. Hello. George. Excuse me. Ladies and gentlemen, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है. अब ये कौन है? आज के बाद मैंने जो कुछ भी कमाया वो सब की सब जायदाद मेरे बेटे संदीप की होगी. ये उन सब के डॉक्यूमेंट्स हैं. ये तुम्हारे लिए बेटा. मेरे लिए? मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा. थैंक यू डैड, यू आर द बेस्ट. ऑलवेज. थैंक यू. टेक इट मैन. संदीप, अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है. या फिर मेरा बेटा है. देख रहा है ना, हम लोग यहाँ पी रहे हैं, थोड़ा दूर खड़ा होना चाहिए ना. ब्लडी भिखारी. सेम टू यू, चल निकल. इसको तो ब्लडी भिखारी बोल के जा रहा है. चीयर्स मैडम. उनसे अच्छा समझाऊं क्या? Dad, what happened? संदीप, हाँ, कोई
कोई मेरा गला दबा रहा था. Somebody trying to kill me. कोई मुझे जान से मारना चाहता है. रैट पर यहाँ पे कोई भी नहीं है. There's no one here. No. लगता है आपने कुछ ज्यादा पी लिया है. Come on, let's go. संदीप कोई तो है. Come on. कोई तो है जो मुझे मारना चाहता है. Trunk dad. वो यही थी. डैड जल्दी चलो कनाडा मीटिंग के लिए निकलना है. वापस आते ही डॉक्टर से मिलेंगे. वो मुझे मारना चाहती है. छोड़ दो मुझे. डैड यू आर जस्ट ड्रंक. वैसे संदीप के बाप को भी मारना चाहती है. एक बात बता, ये वैष्णवी अपने ससुर को क्यों मारना चाहती है? चुप. आखिर उनसे इसकी क्या दुश्मनी होगी? मुझे क्या पता यार. फ्रेंड्स, ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है. सुपर शॉपिंग मॉल 150 मिलियन पाउंड्स वर्थ, जो इस शहर में अपने आप में अकेला होगा. और ये मेरा भी ड्रीम प्रोजेक्ट है. सो आई नीड आप सबका भी 100% कोऑपरेशन एंड डेडिकेशन. एंड सर, ओ सॉरी सर, सॉरी, रियली सॉरी. एनीवे, ऑल द डिटेल्स आर इन द फाइल. फ्रेंड्स चलो शुरू हो जाओ. एंड गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू सर. थैंक यू. एलेक्स. कमिंग सर. पागल, बोला है ना मीटिंग में मत आया कर, कब समझेगा. सॉरी सर. आज रात के बलि के लिए इस लड़की को सिलेक्ट किया है. दिखाओ, आप देख लीजिए ठीक है कि नहीं. ये भी. दिस इज फाइन. एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, मेरी पेन ड्राइव रह गई. थैंक यू. वेलकम. आज रात की पूजा के लिए लड़की ओके है. ओके बॉस, और भी कुछ अर्जेंट हो तो बताना, मैं चाइना टाउन में रहूंगा. इस लड़की को मैनचेस्टर प्रोजेक्ट के लिए भेज दो. ठीक है बॉस. लारा, ये सेक्शन कल रात को ही खत्म हो जाना चाहिए था. अब तक क्यों नहीं हुआ? कल नाइट शिफ्ट में काम नहीं हुआ मैडम. सर यहाँ किसी बच्चे के साथ पूजा करने वाले थे, इसलिए सबको छुट्टी दे दी और काम फिनिश नहीं हुआ. गेट इट डन. ओके बाय. बाय. ओके बॉस, और भी कुछ अर्जेंट हो तो बताना, मैं चाइना टाउन में रहूँगा. Live show, live show.
Hey, I need two children for my construction site. What? I don't know. Life's so life. I'll give you more money than you ask. I don't know. Get lost. Life's so life's old. Life's so life's old. There you go. Come along. Hey, Danny. Huh? Someone's looking for you. Check your site. Okay, I will. I need two kids. Who are you? Here's the customer. Have a seat, please. What do you want? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कुछ बच्चे सप्लाई करो. अपना एड्रेस दे दो. मैं बच्चे भेज दूँगा. नहीं, मैं उनमें से सेलेक्ट करूँगी. Jack, go. Open the door, man. Yes, boss. We'll do it. Yeah, yeah, all right, man. Get out of here. Go. Yeah.
डॉक्टर, ह्यूमन सैक्रिफाइसिंग नर्मली के बारे में तो आपने बहुत रिसर्च की है, ऐसे लोगों की मानसिकता क्या होती है, क्या आप हमें बताएंगे? व्हाट इज द लॉजिक? नरबलि देने का मुख्य कारण अंधविश्वास होता है। कारोबार में तरक्की के लिए, दीर्घायु के लिए और मंत्र शक्ति प्राप्त करने के लिए हर आदमी का अपना एक कारण होता है, इसीलिए ये प्रथाएं जीवित हैं। व्हाट नॉनसेंस, आज के जमाने में ऐसा अंधविश्वास है? सिर्फ इसी जमाने में नहीं, प्राचीन काल से ये प्रथाएं चली आ रही हैं। प्राचीन समय में राजा महाराजा युद्ध में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए नरबलि के बाद ही मैदान में जाते थे। मानव देह में 32 गुण पाए जाते हैं। मान्यता है कि महाभारत में भी अर्जुन ने अपने पुत्र की कलबलि दी थी। कलबलि? कलबलि, नरबलि, ऐसे बहुत से नामों से इसे जाना जाता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, निर्माणाधीन पुल में, ऐसी जगहों पर बच्चों की बलि दी जाती है। आज ही इंडिया में एक पत्थर की खदान में ये घटना हुई है जिसकी छानबीन चल रही है। इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं डॉक्टर? जनता को एक्सक्यूज मी, करना वी हैव अ वारंट फॉर योर अरेस्ट। अंधविश्वासों के प्रति व्हाट यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट। लेट्स कम। गुड गुड इजी। मॉम मॉम, यही है वो राक्षस। मोहिनी, कैसी बातें कर रही हो तुम? किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। मॉम, इसने छोटे छोटे बच्चों को मारा है। छोटे बच्चों पर भी इसे रहम नहीं आया। इससे तो भगवान का भी डर नहीं है। राक्षस, जंगली जानवर। शांत हो जाओ बेटा। KVR is a reputed person of our country. The court has the wrong information about the KVR. He was accused by the child abuse and murder. But there was मुझे पता था कि हम जीत जाएंगे। So KVR is not guilty. मैं जानता था ये लोग कुछ नहीं कर सकते। Okay, okay, okay. मैं बताता हूँ। जस्टिस की जीत हुई है। You know? मैं इनोसेंट हूँ। ये मेरे खिलाफ साजिश की गई है, इसीलिए ऑनरेबल जज ने मुझे छोड़ दिया है। मैं निर्दोष हूँ, इसीलिए मुझे बरी किया है। अभी मुझे रास्ता दीजिए। नो, थैंक्स। मोहिनी, तूने इतनी मुश्किल से इसे पकड़वाया, ये तो इतनी आसानी से छूट गया। इसे मैं फांसी दिलवा के ही मानूंगी। Usually, न्याय और इंसाफ की बात करने वाले हमेशा गरीब लोग होते हैं या फिर विकास की बड़ी बड़ी बात करने वाले होते हैं, लेकिन तू तो लड़की है। Hey, what's your problem? गलत काम वो करते हैं जिन्हें पावर चाहिए होती है या फिर पावर होती है। तुम्हारी क्या कैटेगरी है? तो तुम नहीं रुकोगी, राइट? मुझे जेल भेजोगी या फिर फांसी पर चढ़वाओगी? तुमने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल से मिलके आई हो, पार्लियामेंट के एमपी से भी शिकायत की, हाँ? सर, ये रहे सर। तुमने अकेले ही मेरे खिलाफ बहुत से सबूत इकट्ठा किए हैं और उन्हीं सबूतों से मुझे सजा दिलाना चाहती हो। अब आप एकदम सही समझे। तुम सोचती हो कि मैं जेल जाऊंगा? हाँ, बिल्कुल जाओगे। ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू जेल। नो 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 वे। ए मोहिनी, इस दुनिया में सबकी कीमत होती है। मैं कितनी भी बड़ी गलती करूँ, आसानी से बाहर आ जाऊंगा। लेकिन तू भगवान को आसानी से नहीं खरीद सकता, और अगर उसने तुझे पनिशमेंट दी तो तू आसानी से बच भी नहीं पाएगा। यो, तुमने जिन बच्चों को बचाया उन्हें भी उसी भगवान ने बनाया। वो लोग कौन है? बड़े होकर वो लोग क्या करेंगे, क्या बनेंगे? तुम क्या सोचती हो, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या फिर लीडर? नथिंग। अगर इस दुनिया में पैसा नहीं है तो लोग जिए या मरे क्या फर्क पड़ता है? दे आर जस्ट लाइक प्रॉपर्टीज। उनसे किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए मैंने उन्हें अपने बिजनेस में यूज कर लिया। दैट्स ऑल। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और तू उन बच्चों को तकलीफ पहुंचाने वाला राक्षस है। मैं तुझे माफ नहीं कर सकती, तुझे फांसी दिलवाऊंगी। मुझे हार पसंद नहीं। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे ऐसे ही मरना होगा। किलर। मैं तुझे मारना नहीं चाहता था, लेकिन तू नहीं मानेगी। तुम गलती कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, मैं तो बस छोटे बच्चों की जान बचाना चाहती थी।
मरने के टाइम भी मुझे ज्ञान बांट रही है। तुम वो गलत कर रहे हो, मुझे यहाँ से जाने दो। अगर मारोगे तो वापस आऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं वापस जरूर आऊंगी। मर जा, मर, ठिकाने लगाओ। गुड बाय मोहिनी। गुड बाय। संदेह नहीं, वो मोहिनी है। ये कैसे पॉसिबल है? पुलिस भी आज तक उसकी बॉडी को नहीं ढूंढ सकी, उसके बाद भी। तुमने उसके शरीर को मारा है, उसकी आत्मा को नहीं। शरीर अलग होता है और आत्मा अलग। सो, मोहिनी आत्मा बनकर वापस आई है? सही कहा। हा? तुम्हें मारने के लिए उसने उस शरीर को धारण किया है, संभल कर रहना। आर यू मैड? कैसे 2 साल इंतजार करके एकदम अपने जैसे शरीर में? I can't believe this. बकवास है, ridiculous, bloody, बेतुकी थ्योरी। मरी हुई आत्मा पूरे 1 साल तक इस धरती पर ही घूमती रहती है। उसका अंतिम संस्कार होने के बाद ही उसकी आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन मोहिनी को तुमसे बदला लेना है, इसीलिए वो इस शरीर का इंतजार कर रही थी। ओके, चलो ये होने दो। वैसे मोहिनी आत्मा बनकर वापस आई तो दूसरी बॉडी को भी चूज कर सकती थी। उसने अपनी जैसी बॉडी चूज क्यों की? 2 साल का इंतजार किया, वो क्यों? ये कंफ्यूजन मुझे भी है। इस सवाल का जवाब नाड़ी कुंडली से ही मिलेगा। इंडिया में मेरा एक फ्रेंड नाड़ी कुंडली एक्सपर्ट है, उनसे पूछते हैं। नमस्ते मॉम, मैं कन्नन भट्टाचार्य बोल रहा हूँ। जैसा कि आपने जानकारी दी, लगभग 200 साल पहले तिरुवंगूर के तिरुवनंतपुरम में एक खाना बनाने वाला परिवार रहता था। ये मोहिनी का असली परिवार था। वक्त बदलते ही मोहिनी का परिवार काम की तलाश में अलग अलग दिशाओं में चला गया। वैसा ही एक परिवार जो समुद्र पार करके गया था, उसके घर पैदा हुई ये मोहिनी। लगभग 5 पीढ़ी पहले वैष्णवी और मोहिनी ये दोनों जुड़वा बहनें थी। ये कुंडली बता रही है, इस जन्म में एक बहन की आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी और उसकी आत्मा गुस्से से बाहर भटकेगी, और लगभग 15 मंडल के बाद उसके ही खानदान का खून मिलने से मोहिनी की आत्मा बहुत ही ताकतवर बनकर बदला लेगी। वो अपने ही जैसी दिखने वाली एक लड़की के शरीर में प्रवेश करेगी। ये सब होना सुनिश्चित है, ये नाड़ी शास्त्र की गणना बताती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनबिलीवेबल, ये 21st century है। आत्मा आएगी, बदला लेगी, विश्वास नहीं हो रहा है, बिल्कुल कॉमेडी लग रहा है। ओके, एस्ट्रोलॉजी पर भरोसा नहीं, साइंस पर तो करोगे? ऑफ कोर्स। केवीआर, तुमने जेनेटिक एपिजेनेटिक की थ्योरी के बारे में सुना होगा? नो। ये देखो, समझ जाओगे। सिंपल है, अगर सीधी भाषा में बताएं, लड़का अगर गुस्से वाला पैदा हुआ, कहते हैं इसमें पिता का गुण है गुस्से वाला है, शांत है तो कहते हैं माँ का गुण है शर्मीला है। इसके बारे में साइंटिस्ट ने रिसर्च भी किया है। इसका नाम है ट्रांसजेनरेशनल एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस थियरी। इस रिसर्च को करने वाले इमोरी यूनिवर्सिटी के ब्रेंड डायल और कोरी रसल नाम के 2 साइंटिस्ट हैं। इनके अनुसार मृत्यु के बाद भी उनका गुण डीएनए के थ्रू उनके परिवार में ट्रांसफर हो जाता है। मोहिनी के विषय में भी बिल्कुल यही हुआ है। वैष्णवी के डीएनए पावर कनेक्शन ने मोहिनी को फुल पावर दिया है, इसीलिए मोहिनी ने 2 साल तक इंतजार करके वैष्णवी को लंदन बुलाया।
अब आप समझ ही गए होंगे। वो मोहिनी हो या वैष्णवी, वो आपको ढूंढकर पहुंच जाएगी। मेनका, इतना क्या अर्जेंट था कि मुझे अभी मिलना चाहते हो? बताता हूँ कौन है वो वैष्णवी और वो यहाँ कैसे आई। उसका एम और प्लान क्या है? कम ऑन टेल मी। विकी, तुम क्या बात कर रहे हो, मैं कुछ समझी नहीं। नहीं समझी? डिवोर्स देते समय मैंने तुझे 100 करोड़ देकर सब कुछ सेटल किया था, वो तुझे कम पड़ गया। तू पुरानी दुश्मनी को याद करके मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है, उसके लिए तूने इतना बड़ा प्लान कर दिया? सच बता मुझे। रविश, ये सब क्या बात कर रहे हो, कोर्ट ने हमें। ए बस, मैं कोई बकवास तेरे मुंह से सुनना नहीं चाहता। वैष्णवी कहाँ है मुझे सिर्फ ये बता। टेल मी। वैष्णवी से क्या लेने देना? ए, तुझे समझाने का मेरे पास टाइम नहीं है, वो मुझे मारना चाहती है। What? She wants to kill me. वैष्णवी कहाँ है? बताओ, बता मुझे। मैं बताती हूँ। क्या सोच रहा है तू कि मैं वापस कैसे आ गई? हाँ वैष्णवी, मोहिनी। वैष्णवी, वैष्णवी क्या कर रही हो, इन्हें छोड़ दो। सुन रहा है ना, मैंने भी इसी तरह से छोड़ने के लिए कहा था। वैष्णवी क्या बात कर रही हो, इन्हें छोड़ दो बेटा, प्लीज वैष्णवी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इन्हें छोड़ दो बेटा। मैंने भी इसके आगे हाथ जोड़े थे, इसने मुझे छोड़ा क्या, छोड़ा क्या? अगर तू मुझे मारेगी तो मेरा बेटा चुपचाप नहीं बैठेगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। Come on! जिस दिन तूने अपने बेटे को अपनी जायदाद का वारिस बनाया ना, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं तेरे बेटे को भी मारूंगी। Shut up.
वो मोहिनी तुम्हारे बेटे को मार कर ही रहेगी। मेरे बेटे ने तो कोई गलती नहीं की, उसे क्यों मारेगी? आपकी बात सच है, पर वो मोहिनी अपना बदला लेने के लिए आई है। वो एक आत्मा है, प्रेत है, वो न्याय का पालन करेगी, ऐसा सोचना भी मत। मेरे बेटे को बचा लीजिए स्वामी जी, हम सिर्फ आप ही से आस है, हम तो मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा, प्लीज उसे बचा लीजिए, मेरा बेटा मासूम है। आपके बेटे को बचाने का सिर्फ एक रास्ता है। क्या रास्ता बताइए ना। मोहिनी के पावरफुल होने का कारण वैष्णवी का शरीर है, उसके शरीर से आत्मा को निकालना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आने वाले 13 तारीख को जब सूर्य चंद्र ग्रहण लगने वाला होगा, तब 6:52 पर, तब जो ग्रहण लगेगा इंडिया में अविट नक्षत्र दिखाई देगा, उसी समय पर अष्ट सिद्धि यज्ञ और कृति पूजा नमुंधरी में करना होगा, और उसी समय मैं उस मोहिनी को उसके शरीर से निकाल दूंगा। इसका मतलब वैष्णवी को? सही कहा, वैष्णवी को मरना ही होगा। तभी तो मोहिनी को वैष्णवी का शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। तुम्हारे बेटे को मारने के लिए उसके शरीर का इस्तेमाल मोहिनी कर रही है, वैष्णवी को मरना ही होगा। क्या बकवास कर रहे हैं स्वामी जी, हम लोग यहाँ पर अपनी वैष्णवी को मरवाने के लिए आए हैं क्या? अच्छा आइडिया दे रहे हो स्वामी जी, मंदिर है इसलिए बच गए, नहीं तो सारा आइडिया निकाल देता। वैष्णवी जिंदा रहेगी, हम मार खाएंगे चलेगा। आप उसे बचाने का रास्ता बताइए स्वामी जी। वैष्णवी मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है, मैं नहीं मानूंगी स्वामी जी। मैं आप लोगों का गुस्सा समझता हूँ, मैं भी उसकी जान लेना नहीं चाहता, पर इसके सिवा और कोई चारा नहीं। ये सुन बालकी, तू भी मुंह उठा इसके पास चला आया, वैसु को हम अपने गांव ले चलेंगे। हाँ। अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते, वैष्णवी अब पूरी मोहिनी बन चुकी है, वो किसी का नहीं सुनेगी, ये सब उसी विधि का विधान है। आपके बेटे को बचाने के लिए यज्ञ तो करना ही पड़ेगा। भगवान पर भरोसा रखिए, धैर्य से काम लीजिए, सब कुछ सही होगा, लेकिन एक बलि तो देनी ही पड़ेगी, उसके बिना उसे कोई नहीं रोक सकता। आप? मैं संदीप की माँ हूँ, अंदर आ सकती हूँ क्या? हाँ आइए ना। कुछ दिनों पहले आपने मोहिनी की तरह एक लड़की को देखा था ना? हाँ हाँ, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, वो सच था या झूठ कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन ये सच है, पर वो मोहिनी नहीं है, वैष्णवी है। हाँ? मैं उसी के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। बेटी मर गई है यकीन नहीं हुआ था, इसीलिए अभी तक उसकी तस्वीर पर हार नहीं चढ़ाया। I'm so sorry. अब वैष्णवी को बचाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। हमें अपनी बेटी पर बहुत ही गर्व महसूस होता है, हम कुछ सोचते हैं और भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है। अब हमारे हाथ में है ही क्या, जो हो रहा है होने दीजिए। आप रोइए मत प्लीज, मुझे मेरे बेटे की कोई चिंता नहीं है, वैष्णवी को कुछ नहीं होगा। ऐसा मत कहिए, वैष्णवी अगर जिंदा भी रहे तो भी वो भूतनी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। आपके बेटे को मारने के बाद वो मेरी बेटी के शरीर पर कब्जा कर लेगी, आपको आपका बेटा नहीं मिलेगा और मुझे मेरी बेटी। इससे तो अच्छा वैष्णवी को किसी की जान बचाने का मौका आज उस भगवान ने दिया है, ये शायद उसी की मर्जी है, जो हो रहा है होने दीजिए। आप स्वामी जी की बात मान लीजिए, देवी माँ के पूजन की तैयारी कीजिए, प्रार्थना करने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। आप माता जी की पूजा में हिस्सा लीजिए, हमें तुरंत लंदन वापस जाना होगा, हम भी वहाँ पर अपनी पूजा कराएंगे, स्वामी जी ने हमें वहां बुलाया है। संदीप कहाँ है? अगर वो यहाँ आ जाए तो मोहिनी भी यहाँ आ जाएगी। संदीप को पिकअप करने एयरपोर्ट गाड़ी भेज दी है। उसी का कॉल आ रहा है। टेल मी विक्टर, व्हाट? संदीप वैष्णवी के साथ चला गया। घबराइए मत बेचारा संदीप, तुरंत संदीप को फोन लगाइए। Your call cannot be taken.
moment. Not reachable. Hey, बाहर से आते ही तुम सीधे यहाँ क्यों लेके आए? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है. Please come. After you. ये घर कैसा लगा? क्या संदीप, रियल एस्टेट एजेंट की तरह बात कर रहे हो? मैंने कब कहा घर खरीदने को? तुमने नहीं कहा, लेकिन मैंने खरीद लिया. सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए. इट्स माई स्वीट ड्रीम हाउस. मैं अपनी पूरी की पूरी जिंदगी अपनी पसंदीदा लड़की के साथ यहाँ जीना चाहता हूँ. मैं हमेशा से ऐसा घर खरीदना चाहता था, चारों तरफ हरियाली, बीच में हमारा घर और साथ में तुम. ओह माय गॉड, आई एम सो ब्लेस्ड. आज तुम्हें यहाँ लाकर मैं बहुत खुश हूँ. एंड आई होप कि तुम्हें भी ये घर अच्छा लगा होगा. हम अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जीते हैं. तुम्हें मैं बहुत खुश हूँ. हमें कोई तंग करने वाला नहीं होगा, सिर्फ तुम और मैं यहाँ इस पूरे घर में अकेले. What's wrong with you, huh? जानता है तेरे बाप ने मेरी जिंदगी खराब की. क्या मतलब? और अब तू मुझे जिंदगी देना चाहता है? मेरे डैड के बारे में तुमने क्या कहा? फिर से बोलना. क्या नहीं समझा? उसने अपनी पाप की कमाई का तुझे वारिस बनाया है. अब कुछ समझ में आया? मोहिनी. माँ संदीप, कहाँ हो तुम? माँ वैशु के साथ, वो एकदम बदल गई है. हे भगवान, संदीप वो वैशु नहीं है, मोहिनी भूतनी है. क्या कह रही हो माँ? वो तुझे मारना चाहती है, कैसे भी यहाँ आ जा. माँ वैशु. Stop it! वैशु बनने का नाटक मत कर. कैसे लगी है संदीप? दूर हट मुझसे. मुझे देखने दो. Huh?
ने कहा सिर्फ 5 मिनट में शनि ग्रह 90 डिग्रीज में सूर्य रेखा में आ जाएंगे, उसके पश्चात वो दोनों भूमि रेखा में आ जाएंगे। उस समय अगर इस सिंबल में संदीप आ जाए तो वो सेफ हो जाएगा, उसके बाद हम उसकी आत्मा से निपट लेंगे। संदीप को फोन लगाइए, पूछे कहाँ पहुंचा। मैं बोल रही हूँ बाहर आ, बाहर आ। तुझे क्या लगा मैं तुझे छोड़ दूंगी? तेरे चक्कर में वैष्णवी मरेगी, देखना चाहेगा? मैं वैष्णवी को तेरे सामने मारूंगी, तू उसे बचा पाएगा? हे उसे छोड़ दे। हे क्या कर रही हो? स्टॉप इट, प्लीज ऐसा मत करो। उसे छोड़ दो प्लीज। अगर वैष्णवी का दर्द मिटाना है तो बाहर आ, बाहर आ। नहीं। अरे बाप रे, संदीप कुछ हुआ है क्या? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, खून भी बह रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। वैशु ये सब क्या है? तुम्हें इतनी तकलीफ में देखने से अच्छा मैं खुद ही मर जाऊं। अब तू सही बात कर रहा है, आ जा। खड़े खड़े क्या देख रहा है? आ, तू आ रहा है या मैं इसे मार दूं? रुको, मैं आ रहा हूं, उसे कुछ मत करना। थोड़ा सा इसका खून क्या बह गया, इतना डर गया? आ जल्दी आ। मेरी वैष्णवी को तुम कितना टॉर्चर कर रही हो, ये कौन सा न्याय है? ये मेरा न्याय है, न्याय के बारे में तू क्या जानता है? वैष्णवी को मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, तेरे बाप ने मुझे मारा, मार के नदी में फेंक दिया, और अब तू आया है यहाँ पे मुझे न्याय अन्याय सिखाने? मैं वैष्णवी के शरीर में रहूंगी और मैं अपना बदला तेरे पूरे परिवार से लूंगी। तो फिर वैशु? तू फिर इसके पीछे पड़ गया, अब वैशु नहीं मोहिनी, चल बाहर आ। आ, 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 आ रहा हूं। बाहर आ। जल्दी आ। माँ। संदीप कहाँ है तू? चर्च में। और मोहिनी? मेरे सामने है, मुझे मारने का इंतजार कर रही है। हे भगवान। मैं मॉन्क बोल रहा हूँ। तुम कैसे भी वहां से निकलो। नहीं स्वामी जी, अगर मैं नहीं मरूंगा तो ये वैशु को मार देगी। वो उसे नहीं मार सकती, तुम्हारे साथ खेल खेल रही है, उसे वैष्णवी के शरीर की जरूरत है। अगर वैष्णवी को बचाना है तो तुम्हें बुद्ध मंदिर पहुंचना ही होगा, तुम्हारे पीछे पीछे वो भी यहाँ आएगी, तब मैं संभाल लूंगा। लेकिन मैं यहाँ से कैसे निकलूं?
यहाँ से 100 फीट पार करना भी बहुत बड़ी बात है। रास्ता है, चर्च के पीछे देखो एक बड़ा झरना है, वो झरना चर्च की दीवार को छू कर बहता है। जब ये झरना चर्च की दीवार को छूता है तो चर्च का पावर उसे होली वाटर के रूप में परिवर्तित करता है और वो झरना यहाँ बुद्ध मंदिर के पास पहुँचता है। तो फिर मोहिनी? वो उस होली वाटर में प्रवेश नहीं करेगी, जंगलों की तरफ से भाग के आएगी, तब तक तुम यहाँ आ सकते हो। ए! कहाँ जा रहा है तू? अब वैष्णवी को नहीं बचाएगा? मुझे पता चल गया, तू उसे कभी नहीं मारेगी, तुझे उसका शरीर चाहिए। कुछ करिए ना।
करिए स्वामी जी। स्वामी जी कुछ तो स्वामी जी देखिए तो मेरा बेटा मर जाएगा। नो 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 उसके पास मत जाइए मत जाइए। वैष्णवी मेरे बेटे को छोड़ दो अब समय हो गया है। स्वामी जी संदीप जल्दी करो इस घेरे में आ जाओ। कम ऑन कम फास्ट इस सर्कल के अंदर आ जाओ। संदीप जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ कम ऑन जल्दी। बस बस वहीं रहो दैट्स इट। मुझे लगता है तू बच गया सिर्फ 5 मिनट। इस ग्रहण के बाद ये घेरा भी तुझे बचा नहीं पाएगा। मैं तुझे मार दूंगी कोई नहीं बचा पाएगा। स्वामी जी क्या हुआ? मैं 30 सालों से माता की कुर्थी पूजा कर रहा हूँ। पूजा के संपन्न होते ही माता का श्रीमुख शांत होना चाहिए पर आज ऐसा नहीं हुआ। लगता है कुछ विपरीत होगा। तुम लोग यहाँ माता जी की पूजा कर रहे हो वो कोई दुष्ट आत्मा नहीं है जो खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा वो बहुत ही पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा नहीं मानेगी। अगर उसे मनाना है तो जीव की बलि देनी होगी। दे पाओगे क्या? जीव की बलि दे पाओगे क्या? मेरी वैशु को प्लीज बचा लो डॉक्टर। Please, doctor. Let me try. Please, doctor, please. Show me the report. Change the prescription. She's not reacting. What are you saying? I think she's dead. Doctor. What the hell, doctor? Vaishnavi, what happened? If the heart is not
तो CPR ट्रीटमेंट यूज करके 15 मिनट के अंदर ही उसके हार्ट को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, पर वैष्णवी के साथ ऐसा नहीं हुआ। इसे ऐसा हो जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था स्वामी जी। ये सब क्या है माँ? संदीप, तुम्हारी जान बचाने के लिए वैष्णवी को जाना ही था। मोहिनी ये शरीर नहीं छोड़ रही थी, स्वामी जी ने कहा तो वो वैष्णवी को बचा लेंगे, इसलिए मैंने स्वामी जी से हामी भर ली और उसके पेरेंट्स को भी मना लिया। What nonsense? क्या माँ, आप कब से इतनी बड़ी सेल्फिश हो गई? इसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा? वैशु का क्या होगा माँ? बालकी, मैं बोल रही हूँ, वैष्णवी ठीक तो है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी, वैष्णवी हमें छोड़कर चली गई। दीदी, उसे हम नहीं बचा पाए, अब वो वापस कभी नहीं आएगी। मैंने क्या उसकी बलि देने के लिए लंदन भेजा था उसे? क्या इसलिए मैंने आपकी पूजा की? वैष्णवी के रूप में मोहिनी को जिंदा रहना चाहिए। मोहिनी नहीं है तो क्या हुआ, वैष्णवी भी तो मेरी बेटी जैसी ही है। अगर मोहिनी को किसी की जान ही लेनी है तो मेरी जान ले ले, मेरी बेटी को छोड़ दे। डॉक्टर, प्लीज डू समथिंग। वैष्णवी, वैष्णवी, वैशु, वैष्णवी, यू ऑल राइट? थैंक गॉड, वैशु, यू ऑल राइट? वैष्णवी, सब लोग नेहा की तरह होमवर्क पूरा करके आना, नहीं तो किसी को चॉकलेट नहीं मिलेगा, समझ गए? रुको 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 रुको, आगे आगे आगे। बाय अर्चना। बाय बेटी। आजा 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 बच्ची। नेहा कितनी अच्छी लगती है, जी करता है कि तुझे चूम लूं। आजा बच्ची, तेरे गाल को छूकर मुझे प्यार करने का मन कर रहा है। नेहा, ए नेहा। नहीं, मोहिनी।